गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो में हम CS 310 PHP एंड MySQL में MySQL का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। MySQL कौन कौन यूज करता है, कितना ये यूजफुल है, इसके बारे में इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फेसबुक, विकिपीडिया, गूगल, यूट्यूब और फ्लिकर ऐसी जो फेमस वेबसाइट्स हैं वो इसको यूज करती है MySQL को। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पॉपुलर है, कितना यूजफुल है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS, जैसे कि वर्डप्रेस, ड्रूपल, जुमला, ये जो वेबसाइट्स हैं, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये भी MySQL यूज करते हैं। वर्डप्रेस है वो एक वेबसाइट है, उसमें जाके हम अपनी खुद की वेबसाइट तैयार कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के नॉलेज के। और ड्रूपल, जुमला, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें भी हम, जैसे विजुअल स्टूडियो में .NET का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये जो फेमस वेबसाइट्स है, सॉफ्टवेयर्स है, इनके अलावा भी लार्ज नंबर ऑफ वेब डेवलपर्स है पूरी दुनिया में, वो MySQL है वो यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। MySQL जैसे कि बताया है आपको, ये क्या है, डेटाबेस सिस्टम है, और किस लिए काम में आता है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए। MySQL को हम छोटे और बड़े दोनों टाइप के एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RDBMS। इसको रिलेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो अलग अलग टेबल्स में होता है, और टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है, प्राइमरी की और फॉरेन की को यूज करके। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें तीन अलग अलग टेबल्स है और ये आपस में जुड़ी हुई है। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है और एक फॉरेन की होती है। अब दो टेबल में अगर रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दोनों अगर कनेक्टेड है टेबल्स, कोई रिलेशन है उनमें, तो इसका मतलब ये साफ है कि उनमें दोनों में कम से कम एक एट्रीब्यूट है, एक कॉलम है, वो सेम होगा। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, ऊपर जो टेबल्स दे रखी है दो और नीचे एक, तो ऊपर वाली में, लेफ्ट वाली में स्टूडेंट आईडी है, तो नीचे वाले में स्टूडेंट आईडी भी है। ऊपर वाली राइट वाली टेबल में सब्जेक्ट आईडी है, तो नीचे वाले में सब्जेक्ट आईडी भी है। तो दो टेबल्स में रिलेशन तभी एस्टेब्लिश होगा जब कम से कम एक कॉलम है वो दोनों टेबल्स में कॉमन रहेगा। अब जो कॉमन रहेगा वो एक टेबल में तो बनेगा प्राइमरी की और एक में बनेगा फॉरेन की।
RDBMS है वो एक क्या सॉफ्टवेयर है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस है टेबल्स के साथ में, कॉलम्स और इंडेक्स के साथ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो गारंटी ले सकते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बिटवीन रोज ऑफ वेरियस टेबल्स। जो अलग अलग टेबल्स हैं उनकी जो पंक्तियाँ हैं उनमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की हम गारंटी ले सकते हैं। इसमें जो इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, और एसक्यूएल क्यूरी है वो जो डेटा के एक्सेस करने के लिए हम इसमें लिखते हैं वो इसमें इंटरप्रीट होती है। इन्फॉर्मेशन है अलग अलग टेबल से वो कंबाइन होती है। MySQL फास्ट है, रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है। MySQL है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। MySQL को हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अपने को पैसा नहीं देना है इसके लिए। MySQL है वो मिशेल विडनिस एंड डेविड एक्समार्क ने 1994 में डेवलप किया था। अभी MySQL को प्रेजेंट करने का, डेवलप करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का और सपोर्ट करने का काम है वो ओरेकल कॉरपोरेशन कर रही है। MySQL है सी और सी प्लस प्लस में लिखा गया है। MySQL सर्वर की जो डिज़ाइन है वो मल्टी लेयर्ड है, और वो भी इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स के साथ में। MySQL है वो फुली मल्टी थ्रेडेड है बाय यूजिंग कर्नेल थ्रेड्स, और मल्टी थ्रेडेड होने के कारण ये क्या करता है कि मल्टीपल सीपीयूज को एक साथ हैंडल कर सकता है। मल्टी थ्रेडेड होने के कारण ही हम वेबसाइट पर देखते हैं, फेसबुक पर एक साथ करोड़ों लोग यूज़ कर रहे होते हैं फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। MySQL प्रोवाइड करता है ट्रांजेक्शनल और नॉन ट्रांजेक्शनल स्टोरेज इंजिन्स। MySQL है वो हाई स्पीड थ्रेड बेस्ड मेमोरी लोकेशन सिस्टम है, और MySQL सपोर्ट करता है इन मेमोरी हीप टेबल। MySQL हैंडल करता है लार्ज डेटाबेसेज, और MySQL सर्वर है वो काम करता है क्लाइंट या सर्वर या एम्बेडेड सिस्टम्स पर। MySQL कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रन कर सकता है। अब RDBMS हमने पढ़ा है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये क्या होता है इसकी टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि कौन कौन से इसमें वर्ड्स काम में आते हैं, उनका मतलब क्या है। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ टेबल्स विथ रिलेटेड डेटा। अब टेबल क्या होती है? टेबल क्या होती है? एक मैट्रिक्स होती है जिसमें डेटा रहते हैं। डेटाबेस में जो टेबल होती है उसके अंदर डेटा है वो सिंपली जो स्प्रेडशीट होती है उसकी तरह दिखाई देते हैं। जैसे हम MS एक्सेस के अंदर टेबल बनाते हैं, स्प्रेडशीट बनाते हैं, वैसे ही रहता है। कॉलम, एक कॉलम के अंदर सेम टाइप के डेटा रहते हैं, जैसे कि पोस्ट कोड हुआ तो डिफरेंट यूजर्स के पोस्ट कोड स्टोर कर सकते हैं। रो कॉलम है, कॉलम को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, रो को हम टपल भी बोलते हैं या एंट्री या रिकॉर्ड बोलेंगे। ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा होता है।
रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ है वो एक बार से ज़्यादा बार स्टोर की जाती है, तो रिडंडेंसी इसलिए रखते हैं सिस्टम को फास्टर बनाने के लिए, तो मल्टीपल कॉपीज उसमें रखते हैं। मल्टीपल कॉपीज़ का फ़ायदा ये होता है कि मल्टीपल यूजर्स है वो एक साथ उसको एक्सेस करता है डेटाबेस को, अगर एक सर्वर बिजी है तो दूसरे सर्वर से एक्सेस कर सकता है, इसलिए मल्टीपल कॉपीज़ रहती है। प्राइमरी की और फॉरेन की ये अच्छे से समझना है। प्राइमरी क्या की क्या होती है, यूनिक, प्राइमरी की यूनिक होती है, जैसे हमारा आधार कार्ड का नंबर है 12 डिजिट का, वो हर एक आदमी का यूनिक है, सबका अलग अलग है, वैसे ही यूनिक होती है। यूनिक का मतलब हुआ कि कोई भी की वैल्यू है वो दो बार नहीं आ सकती किसी एक टेबल में। इसका मतलब अगर आपने किसी की वैल्यू एंटर की है, सर्च कर रहे हो टेबल में, तो एक ही डेटा मिलेगा। आप अगर सर्च करते हो आपका मोबाइल नंबर डाल के, तो आपका नाम आएगा, किसी दो पर्संस का मोबाइल नंबर है वो सेम नहीं हो सकता, वैसे आधार कार्ड नहीं हो सकता। तो ये सब प्राइमरी की है, आपके स्टूडेंट्स के जो एनरोलमेंट नंबर होते हैं सिटी में वो सबके यूनिक होते हैं, एग्ज़ाम के रोल नंबर होते हैं वो यूनिक होते हैं। फॉरेन की एक तरह से लिंकिंग पिन होती है दो टेबल्स के बीच में, दो टेबल्स को बिना फॉरेन की के हेल्प के हम आपस में लिंक नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, फॉरेन की से हम लिंक करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक टेबल में तो फॉरेन की होती है लेकिन दूसरी टेबल में वही प्राइमरी की भी होती है, और वो कॉलम कॉमन होता है दोनों में। कंपाउंड की, इसको कंपोजिट की भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जब प्राइमरी की बनाने के लिए अगर हमें एक कॉलम ऐसा नहीं मिले जिसको हम यूनिक बता सकें, तो हम एक से ज़्यादा कॉलम्स को उसमें शामिल कर लेते हैं, तो उसको कंपाउंड की बोलते हैं। इंडेक्स, इंडेक्स से डेटाबेस में ऐसे होता है जैसे कि किसी बुक में इंडेक्स रहता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी फॉरेन की है वो हमेशा किसी एग्जिस्टिंग जो रो है उसी को पॉइंट करेगी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नई ब्रांच खुली कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच खुल जाएगी उसके बाद में उसमें एडमिशन होंगे, ऐसे नहीं कि पहले एडमिशन हो गए फिर ब्रांच खुल रही है, पहले ब्रांच होगी तभी तो एडमिशन होंगे उसमें कंप्यूटर साइंस में। तो ये MySQL का इंट्रोडक्शन था, आगे आने वाली वीडियोस में हम MySQL को कैसे यूज करते हैं, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, PHP के साथ में कैसे यूज करते हैं, इनको हम विस्तार से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।